Hey, what's up everyone? My name is Bharat Pradapati. Welcome back to our channel Clicko Vlogs. Instagram में काफी टाइम से मेरे को एक ही सवाल पूछा जा रहा था, लोगों को जानना है कि पिक्चर प्रोफाइल होता क्या है, कैसे काम करता है, स्पेशली सोनी बॉडीज के लिए पिक्चर प्रोफाइल कैसे होता है, मैं कौन सा पिक्चर प्रोफाइल यूज करता हूँ, एंड से भी इम्पोर्टेंट S-Log 2 शूट करते हैं तो उसमें या S-Log 3 शूट करते हैं तो उसमें ग्रेन्स क्यों आते हैं और हाउ टू लाइक फिक्स इट की ग्रेन्स नहीं आएंगे, तो इन सब के आंसर इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को आराम से देखो एंड जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो, बहुत सिंपल है और बहुत इंटरेस्टिंग है। पिक्चर प्रोफाइल को हम लोग पीपीपी बोलते हैं, लाइक पीपी1, पीपी2, पीपी3, सो ऑन, पीपी8, पीपी9, पीपी10 तक होता है। ओके, और वेरी फास्ट ये जानना जरूरी है कि पिक्चर प्रोफाइल होता क्या है। तो सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो पिक्चर प्रोफाइल एक एडजस्टमेंट सेटिंग्स होती है जिससे आप सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट, येलो और स्पेसिफिक RGB कलर्स, इन सबको स्पेसिफाई कर सकते हैं एक पर्टिकुलर सेटिंग को लेकर, दैट इज योर पिक्चर प्रोफाइल। तो जब सोनी की बात करते हैं, सोनी में लाइक बहुत वैरायटीज ऑफ पिक्चर प्रोफाइल मिलती है आपको, लाइक S-Log 2, S-Log 3, देन सीने 4, ऐसी बहुत सारी मिलेगी। अभी जो नया लॉन्च किया उन्होंने, दैट इज सीने टोन। सो सिंपली दो कैटेगरीज, द फर्स्ट इज लाइक स्टैंडर्ड जिसमें आपको जो कलर्स है उसके साथ फुटेज ऑप्टेन होता है, द सेकंड वन इज जिसमें आपको फ्लैट फुटेज ऑप्टेन होता है जिसमें कोई कलर्स नहीं होते, कलर सारे डेड होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, दैट इज द फ्लैट, दिस S-Log हो गया, सीने 4 हो गया। सो स्टैंडर्ड यूज करने का प्लस पॉइंट ये है कि आपको पोस्ट प्रोडक्शन में उतना टाइम देना नहीं पड़ेगा, ग्रेडिंग को उतना टाइम देना नहीं पड़ेगा, आपने सूट के आपको कलर्स के साथ आउटपुट आएगा, देन यू कैन लाइक फिक्स इट थ्रू सैचुरेशन एंड दैट्स इट, तो आपका फुटेज रेडी हो जाएगा। और उसका एक सबसे बड़ा कॉन ये है कि डायमेनिक रेंज उतना अच्छा नहीं मिलता एज कम्पेयर टू द S-Log, एज कम्पेयर टू द सीने 4। तो अभी सवाल ये है कि डायमेनिक रेंज होता क्या है, तो सिंपल है, डायमेनिक रेंज इज द रेशियो ऑफ हाईलाइट एंड द शैडो। सो जितना आपका कैमरे का डायमेनिक रेंज हाई होगा उतना ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज बन जाती है कि डिटेल्स ऑप्टेन करने के लिए हाईलाइट और शैडोज की। सो अब हम लोग फ्लैट पिक्चर प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, जैसे कि S-Log 2 हो गया, S-Log 3 हो गया, सीने 4 हो गया। सो आई विल टेल यू, जो आपका A7M3 है वो S-Log 3 अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा, वो अच्छे से परफॉर्म कर ही नहीं सकता बिकॉज वो 8-bit बॉडी है। 8-bit बॉडी के लिए जस्ट उन्होंने ऑप्शन दिया है बट वो अपना 100% बेस्ट S-Log 3 आउटपुट नहीं दे सकता बिकॉज उसके लिए मिनिमम 10-bit चाहिए। अगर आपके पास 8-bit बॉडी है लाइक 6400, 6600 या 6300, A7M3, तो आपको S-Log 3 कभी यूज नहीं करना, यूज S-Log 2 या फिर सीने 4, वो सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आपके पास A7 III बॉडी है तो आप पिक्चर प्रोफाइल में जाइए, वहां पे जाके लाइक PP8 में जाइए और वहां पे सीने 4 कर दीजिए उसे, एंड कलर मोड में आपको S-Gamut 3.Cine लेना है। तो इसका एक सिंपल रूल है शूट करने का, आपको इसका फुटेज थोड़ा ओवर एक्सपोज शूट करना पड़ेगा, लाइक 0.03 टू 0.07 आपको थोड़ा ओवर एक्सपोज शूट करना पड़ेगा ताकि आप पोस्ट प्रोडक्शन में अच्छे से हाईलाइट की डिटेल्स गेन कर सकते हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट पिक्चर प्रोफाइल इन द सोनी A7M, ड्यू टू 8-bit A7 III कैमरा में आप S-Log यूज करोगे और पोस्ट प्रोडक्शन में जब आप उसकी हाईलाइट गेन करने की कोशिश करोगे तो आपको कलर बैंडिंग का इशू आएगा। कलर बैंडिंग मतलब आपके जो कलर से वो बैंड होने लगेंगे, आपको लाइक लाइंस दिखने लगेगी हाईलाइट सेक्शन में, तो वो अवॉइड करने के लिए आपको S-Log 3 यूज नहीं करना है। सो सिंपली आपको ये बता देता हूँ कि 8-bit और 10-bit में डिफरेंस क्या है। 8-bit का मतलब है कि आपके कैमरे में 16.7 मिलियंस कलर्स की इंफॉर्मेशन रहती है और 10-bit में 1.07 बिलियंस कलर्स की इंफॉर्मेशन रहती है। तो जितने ज्यादा बीट्स रहेंगे उतने ज्यादा कलर्स की इंफॉर्मेशन आपके बॉडी के पास रहेगी, आपके सेंसर के पास रहेगी। तो दैट इज आई एम सेइंग कि 10-bit कलर के साथ आप S-Log 3 शूट कीजिए और 8-bit कलर के साथ सीने 4 शूट। सो बात करते हैं 10-bit बॉडी के लिए बेस्ट पिक्चर प्रोफाइल कौन सा है, तो वहीं PP8 में जाइए एंड वहां पे S-Log 3 कर लो। तो कलर मोड वही कर लो S-Gamut.3Cine बिकॉज वो इजी होता है कलर गेन करने में। सो आपके कैमरा डिस्प्ले में नीचे mm का एक डिजिट लिखा होगा, mm का मतलब होता है मल्टीमीटर, तो उस मल्टीमीटर में देखिएगा आप कितना स्टॉप आपका ओवर एक्सपोज हो रहा है, इट शुड बी लाइक 1.7-2 स्टॉप। सो पोस्ट प्रोडक्शन में जब हम कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे तो ये डिटेल्स वापस गेन हो सकती है, तो दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल कि ओवर एक्सपोज करके शूट करना है। एंड वन मोर थिंग, आई डोंट नो आपको मीटरिंग के बारे में पता है नहीं पता है, बट आप अपने कैमरा सेटिंग्स में जाओ और मीटरिंग में जाओ, मीटरिंग में आपकी मीटरिंग शुड बी मल्टी, तो आप मीटरिंग में जाके उसको मल्टी कर दीजिए। सो द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो काफी लोगों को ये लगता है कि बेस्ट आउटपुट के लिए, बेस्ट इमेज के लिए आपको बेस ISO पे शूट करना होता, लाइक 200-400 उस पर शूट करोगे तो आपको बेस्ट इमेज मिलेगी, बट यहाँ पे थोड़ा फंडामेंटल अलग है क्योंकि जब आप S-Log की बात करो यहाँ पे नेटिव ISO काम करता है, तो आपकी सोनी बॉडी है डेडी ड्यूल ISO बॉडी है। सो जब हम लोग ISO में जाते हैं तो ISO में 200-400
या इनके ऊपर लाइन है, ऊपर और नीचे लाइन है, तो इसका मतलब है कि S-Block 3 के लिए ये नेटिव ISO नहीं है। सो अगर आप ध्यान से देखो 600 के नीचे ऊपर कोई लाइन नहीं है, इसका मतलब है कि S-Block 3 के लिए सबसे बेस्ट और नेटिव ISO 600 एटलीस्ट। इसके ऊपर आप डेफिनेटली बढ़ा सकते हो। तो आप जब भी S-Block 3 पे शूट करो तो एटलीस्ट आपका ISO होना चाहिए 600। द रीजन बिहाइंड कि 600 ISO के नीचे इसलिए शूट नहीं करना है बिकॉज 600 ISO के नीचे आपका डायनेमिक रेंज डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। और हम लोग S-Block में इसलिए शूट करते हैं कि बेटर और बेस्ट डायनेमिक रेंज मिले ताकि हम पोस्ट में जाके उसको अच्छे से डिटेल गेन कर सकते। तो ये तो प्रिंसिपल हो गया डे लाइट का। जब आप लो लाइट में शूट करते हो या नाइट में शूट करते हो तो वहाँ पे भी नेटिव ISO आप जो चेंज हो जाएगा डेट इज 6400 to 12800। इसके बीच में आपको शूट करना है। स्पेसिफिकली बेस्ट फॉर लो लाइट इज 12800। 12800 पे शूट करोगे तो आपके जो भी ग्रेन्स है वो नहीं दिखेंगे। तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कौन से ISO पे आप शूट कर रहे हो। और यहाँ पे S-Block में शूट करते हो तो नॉर्मल वाला फंडामेंटल है कि ISO कम होगा तो हमें इमेज अच्छी आएगी, तो वो फंडामेंटल यहाँ पे काम नहीं करता। सो ये आप करके देखो तो आपकी ग्रेन्स वाली प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। सो दीज आर टू PP जो मैं हमेशा यूज करता हूँ 8-bit बॉडी के लिए Cine4 और जो 10-bit बॉडी है उसके लिए S-Block 3। सो अभी सोनी ने 10-bit बॉडीज के लिए नई पिक्चर प्रोफाइल लॉन्च की है, डेट इज Cine-Tone। सो Cine-Tone इज लाइक सिनेमा बेस्ड पिक्चर प्रोफाइल जो आपकी स्क्रीन टोन काफी प्यारी कर लेती है। एंड इसका भी एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें भी डायनेमिक रेंज उतना बेटर नहीं मिलता, पर इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसके कलर्स को आपको ग्रेड करने की भी जरूरत नहीं है, उतने ही प्यारे कलर्स आपको देता है। बट फॉर द डिटेल्स डायनेमिक रेंज बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप Cine-Tone हार्ड एंड फास्ट में या फिर जो जिस प्रोजेक्ट में आपको लाइक ज़्यादा टाइम नहीं देना उसमें आप Cine-Tone यूज़ कर सकते हो, एंड नहीं तो S-Block 3 या फिर Cine-4। सो आई थिंक आपको फंडामेंटल क्लियर होगा कि बेस्ट वेडिंग के लिए पिक्चर प्रोफाइल कौन सी और मैं कौन सी यूज़ करता हूँ। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है, वहाँ पे जाकर आप मैसेज कर सकते हो। और अगर आपके माइंड में कुछ और भी लाइक टॉपिक्स है तो आप टॉपिक्स भी कमेंट में लिख सकते हो कि उसके बारे में वीडियो बनाना चाहिए, तो आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो। पिक्चर प्रोफाइल यूज़ करो एंड क्रिएट अ गुड कॉन्टेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।